ये प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि ये कलांत नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पढ़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेप है शेष किस विद पार उसे कर जाओ, वो देख उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर धन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता के साथ आज के इस वीकेंड शो की हम शुरुआत करते हैं। ओज की इस कविता, कुछ मोटिवेशन की इस कविता का आज एक खास कारण था। आज के हमारे मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उनको देखकर बहुत से युवा, बहुत से अधिकारी प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ने की, कुछ नया करने का सबक लेते हैं। मैं स्वागत आपका करता हूं। पंकज जी हमारे बीच में मौजूद हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। पंकज जी, सबसे पहले मैंने वर्ड इस्तेमाल गलत कर लिया स्वागत का, आपका स्वागत इस शो में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण मैं अपने शो का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ हम गेस्ट नहीं बुलाते, को होस्ट बुलाते हैं। आज अगले आधे घंटे इस शनिवार की शाम आप मेरे साथ इस शो के को होस्ट हैं। आपको जहाँ भी लगे आप कुछ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको लगे मैं थोड़ी ज़्यादा खिंचाई कर रहा हूँ, आपके साथ चुलबुली हरकतें ज़्यादा कर रहा हूँ, आप कहीं भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। जी जी, अब शो की शुरुआत करते हैं। आपकी मैं साइट पर गया जब आपको, आपके बारे में जानने के लिए गूगल कर रहा था, तो एक बहुत ही इम्प्रेसिव साइट, एक दबंग अफसर के स्टाइल में आपके उसकी वहाँ कुछ फोटोज, आपके कुछ ध्येय वाक्य, एक मैं पढ़कर भी सुनाना चाहूँगा। ईमानदारी बहुत ही महंगा तोहफा है, सस्ते लोग इसकी आशा ना करें। नौकरी में चाहे आदमी किसी भी पद पर हो, नौकरी नौकरी मानी जाती है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करनी, इतनी हिम्मत, इतना साहस कहाँ से लाते हैं साहब? अमित जी देखिए, जो वर्ड ईमानदारी है ये अपने आप में एक समग्र बातों को इंगित करता है। और जब हम इसको कहीं प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि प्रोजेक्शन में एक तो जिस व्यक्ति से रिलेटेड कोई चीज़, इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, तो उसके जो संस्कार हैं, उस व्यक्तित्व, इस व्यक्ति का जो आचरण है, जो व्यवहार है, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में वो किस तरह से अपने जीवन चर्याओं को जी रहा है, वो सारी चीज़ें स्वतः ही बाहर निकल के आती हैं जो है। और अगर कोई व्यक्ति लगता है कि नहीं, मैं इस शब्द को का कुछ प्रतिशत हम जो है प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, तो कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और आज का दौर तो ऐसा है कि भारत युवाओं का देश है जो है, और मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसे चीज़ों को सामने आना चाहिए, सहज रूप से चीज़ों को रखना चाहिए जिससे कि युवा प्रेरित हों। ये लाइन जो है, ईमानदारी बहुत ही महंगा तोहफा है, आपकी लिखी हुई? नहीं, देखिए जैसा मैंने कहा, भारत युवाओं का देश है, और आज के समय में हम ये मान के चलें कि युवा वर्ग जो 15 से लेके 25 वर्ष के बीच का हम जब मोटे तौर पर लेते हैं, तो ये पाते हैं कि उनको उनकी ऊर्जा को दिशा देने में या उनको भ्रमित करने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान रास्ते होते हैं जो है। और आज हम जब हम सर्वे करते हैं, जब हम पूरे देश को देखते हैं, युवाओं को देखते हैं, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ और मैंने बहुत से संघर्षों को अपने जीवन में देखा है, तो ये पाया है कि भटकाव बहुत आसान है जो है। किसी भी युवा को अगर उसके कुछ सपने हैं, उसके कुछ सपने हैं अपने जीवन में, कुछ उद्देश्य हैं जो है, लेकिन उन सपनों को अगर वो पूरा करना चाहता है
और इस सामाजिक परिवेश में जब वो आगे बढ़ता है जो है, तो ये पाते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ जो है उसको बहुत सहज रूप से आकर्षित करने में सक्षम पाती हैं। हमारा जो बाहर का आवरण है वो इस तरह से ढला पड़ा है कि एक युवा को तात्कालिक जो लाभ है उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है जो है। तो मैं ये माप पाता हूँ कि आज के दौर में जो है अडिग रहना, चीज़ों पे सही चीज़ों पे बने रहना, अपने उद्देश्य की गरिमा को, उसके महत्व को समझते हुए, एक दूर दृष्टि रखते हुए, बिना किसी थके हुए, बिना हारे हुए, उसको बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो वर्ड है ये वास्तव में एक बहुत बड़ा महंगा एक सौदा है जो है। इसमें बहुत आसान काम नहीं है जो है। हम जब बात करते हैं कलयुग की जो है, कलयुग की अवधारणा की बात करते हैं, तो हम एक नकारात्मक रूप लेके आते हैं। हम चार युगों में कलयुग में ये पाते हैं कि हम जी रहे हैं और एक लंबा समय हमें इसमें व्यतीत करना है। और इसके साथ साथ एक हम कह लें कि हमारी मान्यताएं भी है कि कलयुग में सारी चीज़ नकारात्मक होंगी, ऐसा दौर आएगा, ऐसा समाज आएगा, ऐसा आपका परिवेश होगा। तो इस दौर में ये वर्ड अपने आप में एक आश्चर्यजनक वर्ड। आप कलयुग के, अब मेरे भी दिमाग में जहन में यही चल रहा था, एक संदर्भ के साथ ये बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। वो ये कि आज़ादी से पहले हुकूमत का विरोध करना गुनाह था, लेकिन वो देशभक्ति थी, है ना। हम उनको सबको क्रांतिकारी मानते हैं, आज अवधारणा बदल गई। आज यदि आप हुकूमत का विरोध करते हैं तो आप जेल चले जाते हैं और हम उसे अपराधी मानते हैं। मतलब परिस्थिति के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसा ही सतयुग में था, ईमानदारी की बात कर रहा, बड़ा अच्छा माना जाता था और ये उस वक्त की उपमा थी कि हाँ, हर व्यक्ति ईमानदार होना ही चाहिए। आज उल्टा है, आज यदि आप ईमानदार हैं तो आपको अलग नज़रों से देखा जाता है। दूसरी चीज़, आपके सामने बहुत से चैलेंजेस आते हैं, ऐसे बीच में ईमानदार होना, तो कलयुग में क्या ईमानदार होना सही है आपकी नज़र में? देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं तो जो मानव की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा ये प्रयास करता है या करना चाहिए कि हम आने वाले समय में खुद के साथ साथ अपने बच्चों को हम कैसा समाज देने के लिए सोचते हैं जो है। हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित है, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, तमाम और विषयों की बात करते हैं, तो आज के साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो विकास हम आज कर रहे हैं वो विकास ऐसा ना हो कि हम सिर्फ हमारे तक ही सीमित हो, हमारे इस समाज तक सीमित हो, आगामी कुछ वर्षों तक सीमित हो। हम ये हमारा ये पूरा विश्व का प्रयास, मतलब पूरे विश्व की जो धारणा है कि वो सस्टेन करे, लंबे समय तक सस्टेन करे, हमारे बच्चे, हमारे आने वाले समय की जो पीढ़ियाँ हैं वो इस विकास का लाभ ले सकें जो है। तो जब हम इस कलयुग में की बात करते हैं जो है, हम जब पाते हैं अपने आसपास, जब हम देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें नकारात्मक रूप से दिखती हैं जो है। और ऐसा नहीं है, समाज बहुत अच्छा है जो है। हम जब समाज को देखते हैं तो ये पाते हैं कि 90% लोग, अगर हम राजस्थान की बात करें, हम अपने भारत की बात करें, 90% लोग अमूमन बहुत अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, अच्छा सोचते हैं जो है। भारत गाँव का देश है जो है, लेकिन जो गाँव का देश है तो इनको एक दिशा की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है जो है। हम ये पाते हैं, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियान चालू किया गया, मैं जब इस अभियान की भावनाओं को जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि स्वच्छता अभियान सिर्फ एक सफाई से रिलेटेड नहीं है, फिजिकल सफाई से रिलेटेड नहीं है, इसमें जो है मन की स्वच्छता, आध्यात्मिक स्वच्छता, ये सारी बातें आती हैं जो है। तो जब हम इसकी जब बात करते हैं तो एक एज ए सरकारी ऑफिसर्स कह लें, या सरकारी अधिकारी कह लें, या पुलिस अधिकारी के रूप में जो मैं अपना निर्वहन करता हूँ, तो मैं एक संस्था का एक अभिन्न अंग हूँ। तो जब मैं पाता हूँ कि जब मैं संस्था को देखता हूँ तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसको कि रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें काफ़ी समय पहले बनी होंगी। आज का दौर अलग है, आज का समय अलग है, और आने वाले भविष्य में जो है चीज़ें बदलेंगी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखते हुए। तो क्यों ना हम अपनी व्यवस्था को रिव्यू करने का प्रयास करें, क्यों ना हम इसमें कुछ फीडबैक मैकेनिज्म को चालू करें। कोई चीज़ अगर हमें लगती है कि ये इम्प्रूव, इस बिंदु पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तुमको इम्प्रूव करने का प्रयास करें, उसके लिए हम अपने उच्च अधिकारियों को या अपने व्यवस्था के अंतर्गत जो महत्व, जो हमारे ऊपर के लोग बैठे हैं, उनको हम सुझाव दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। बहुत खूब, बड़ी खूबसूरत बात की पंकज जी ने। एक इंटरनेट पर वायरल हो रहा है एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेकर वापस लौटेंगे और पंकज जी से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका वीकेंड शो। पंकज जी, एक सवाल, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत से साइड इफेक्ट भी लेकर आती है, खास करके बार बार हो रहे तबादलों के साथ। हम आपको देखते हैं, अशोक खेमका को देखते हैं, बहुत उदाहरण है, सैल्यूट है उन सब अफसरों को जो ईमानदार हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट विचलित करता है? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि ये जो वर्ड है बहुत ही इसमें इसकी गंभीरता है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने आप में एक बहुत समग्र रूप से चीज़ों को रखते हैं। जो हम लोग जो जिस परिवेश में जी रहे हैं, जिस चीज़ का हम प्रयास कर रहे हैं, जिस विजन के साथ बढ़ रहे हैं, ये तय है कि उसमें बाधाएँ आएंगी और इस बाधाएँ को हमको इंटरसेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं, हमें ये नहीं पता है कि हमें ये क्या क्या स्ट्रगल्स देखने पड़ेंगे। ये स्ट्रगल्स पूर्वान्वित हैं, हमें पता है कि हम ये चीज़ में इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो हमें इस तरह की चीज़ें दिक्कत पैदा करेंगी। मैं तो सीधा सा एक अपने आज की जनरेशन के किसी महापुरुष की बात करूं जो है, तो हाल में ही अपने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित रहा हूं जो है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग में था, जब हमारा भारत दर्शन हुआ तो मुझे कन्याकुमारी जाने का मौका मिला, मुझे इतना उनका जीवन इतना प्रभावित लगा कि सन 2010 में मैं कुछ अपने बैच के मतलब बच्चों के साथ बाई रोड में गया, रामेश्वरम गया और ये जानने का प्रयास किया कि अब्दुल कलाम जी जो आज भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका परवरिश कैसा हुआ, ये व्यक्ति किस जमीन से उठ के आया हुआ है और उसका सामाजिक परिवेश क्या है। तो मुझे याद है कि जिस हम लोग व्हीकल से हम लोग गए, तो जैसे ही उनके घर के पास से हम लोग गुजरे तो ड्राइवर ने हमारी गाड़ी रोकी और बोला कि साहब, ये हमारे जो घर दिख रहा है, टूटा फूटा घर दिख रहा है जो छोटा सा, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय का घर है जो है, और ये जो सज्जन दिख रहे हैं इनके बड़े भाई हैं। और बाकी मैं पूरी तरह से, मेरे पैरों की जमीन बिल्कुल लग रहा था कि हम कहीं और आके बैठे हुए, ऐसा महसूस हो रहा कि क्या ऐसा संभव है कि भारत का राष्ट्रपति और इसका घर जिसका सामाजिक परिवेश है वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, एक बिल्कुल एक गरीब परिवार की तरह जो है वो जीवन जी रहा है। और आप विश्वास कीजिए कि मुझे लगता है कि जिस तरह से कलाम साहब ने आज के दौर में संघर्ष किया, बहुत सहज रूप से संघर्ष किया, हम लोग ये दुर्भाग्य के ऐसा व्यक्ति तो हमारे बीच में अब नहीं है जो है। और जहाँ तक अपन की बात है, हम लोग की बात है, हम इन्हीं संस्कारों को, इन्हीं महापुरुषों को देख के प्रेरणा लेते हैं जो है। सौभाग्य की बात यह है कि हमें आकर्षित ऐसे महापुरुषों ने किया है जो है, ऐसे लोगों ने आकर्षित किया, इनसे हम लोगों ने कुछ सीखने का प्रयास किया। मैं पुनः अपने पुराने बिंदु पर जाता हूँ, युवाओं के लिए बहुत आसान काम होता है। आज का जो भागदौड़ का जो दौर है, जो व्यवसायीकरण है, जिस तरह से पैसे की बात होती है, पैसे को सर्वोपरि माना जा रहा है जो है, तो युवा बहुत आसानी से इस तरफ इसको लेकर आकर्षित होता है। तो हमारा जो दायित्व है, हम जब सिर्फ एक विषय पाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, तो ये मान के चलिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समग्र विकास की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से मजबूत होना आज की जरूरत है। हर युवा को, हर व्यक्ति को, समाज के हर प्राणी को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होने के पीछे ऐसा ना हो कि नैतिक मूल्य कहीं और चले जाएँ, उसकी आध्यात्मिक सोच कहीं और चली जाए, उसकी अंतरात्मा कहीं और चली जाए, उसका मन स्थिति, उसकी नीयत कुछ और चली जाए जो है। ये बहुत एक विचारणीय विषय है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो एक बहुत छोटा सा एक प्राणी मात्र हूँ, मुझे लगता है कि देश में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी वजह से चीज़ें इतनी अच्छी रूप से भारत जो है आगे मूव कर पा रहा है जी। एक सवाल मैं ऐसा और पूछूंगा जिसका मुझे पता है आप सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, जैसे पिछले कई सवालों का नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं अपना धर्म निभाता हूँ। एक सवाल और, आपको नहीं लगता कि आपके जैसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग ही देनी चाहिए, दफ्तर के अंदर नहीं बैठा देना चाहिए? देखिए, फिर ये जो विषय है कि कोई व्यक्ति किसी नौकरी में आता है तो वो अपने को कंफर्ट कहाँ पाता है जो? अगर मैं पहले से बायस्ड होकर आ जाऊं कि नहीं साहब, मैं आईपीएस बन गया तो मेरे आगे के क्या क्या चीज़ें, मैं कहाँ कहाँ किस किस पद पे बैठूंगा या किन किन प्रमोशन पे बैठूंगा जो है, ये तो आपके एक तथ्यात्मक रूप से चीज़ें आपके सामने पहले से होती हैं जो है, लेकिन फिर बात आती है नीयत की जो है। आप किस नीयत के साथ इस सर्विस में आए थे, आपने क्या सोचा था, आपने इसी एग्जाम को क्यों दिया जो है। मतलब आपकी बात को करूंगी, फिर जहां भी लगाया जाए वहां पर आदमी अपनी उस धारा को, उस विचारधारा को, उस ईमानदारी को बढ़ाए तो वहाँ नए रास्ते निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, चाहे एक पुलिस अधिकारी हो, चाहे एक शिक्षक हो, चाहे एक प्राइवेट जॉब में काम करने वाला व्यक्ति हो, एक साइंटिस्ट हो, राजनीतिक दलों पे के जो हमारे बॉसेज हैं, हर जगह काम करने का है। आपकी नीयत इम्पॉर्टेंट करती है जो है, और नीयत का मतलब है कि आज का समाज जो है किस तरह के लोगों की अपेक्षा कर रहा है,
किन से उम्मीद की बात कर रहा है जो है। नकारात्मक चीज़ें, मैं तो ये स्पष्ट कर दूं कि कोई चीज़ नकारात्मक करना या किसी चीज़ को तोड़ना बहुत आसान काम है जो है। मैं अपना एक स्लोगन, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने इस स्लोगन को मैं बताऊंगा। मैं जब 2010 में ट्रेनिंग में था तो एक स्लोगन मैंने याद किया था, बहुत ही मार्मिक स्लोगन है, ना जाति ना धर्म ना क्षेत्र, देश सर्वोपरि जय हिंद। मैंने ये पाया समाज में कि जब हम अपनी परवरिश हमने की, जब हम दिल्ली अपनी पुरानी जॉब में रहे, जब हम राजस्थान कैडर मिला मुझे, मैं जब यहाँ पर नौकरी करने आया, तो मैंने ये पाया कि हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में कहीं ना कहीं जाति को लेके, धर्म को लेके, एरिया को लेके हमारी कुछ ना कुछ संकीर्णताएँ हैं, हमारा कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन है जो है। वो कंफर्ट जोन क्या है कि हम खुद के हित के लिए हम आसानी से उस कंफर्ट जोन को चुन लेते हैं जो है। चलिए मैं भी नकारात्मक सवालों को हटाता हूँ, बहुत सॉफ्ट शनिवार के मूड के सवालों पर आते हैं। आपके अब तक की सर्विस के अंदर ऐसी कोई चीज़, ऐसा आपका द्वारा बहुत काम किया, हमारे पास तो लिस्ट है उसकी फहरिस्त है, जिसको आपने एंजॉय किया, आप याद करते हैं कि हाँ वो आपने समाज को एक बहुत अच्छी चीज़ दी। देखिए मैं अगर मैं अपनी पुलिस की नौकरी की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि जब आप जिले के एसपी होते हैं तो आपका एक बहुत अहम उसमें उस चीज़ को आप जीते हैं जो है। मुझे याद है कि जब मैं जैसलमेर अपने पहली पोस्टिंग में रहा तो मैं हमेशा रहा अपने समाज में कि शराब जो है ऐसा 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 विघ्न है समाज के लिए, युवाओं के लिए, समाज के हर प्राणी के लिए, कि जो इतनी नकारात्मकता लेकर चल रहा है, जो कि तत्कालिक रूप से तो नुकसान कर ही रहा है, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान कर रहा है जो है। इस चीज़ को मैं पहले सोचता था जो, जब मैं ज़िले में गया तो मैंने कहा कि 8 बजे तक शराब के जितने भी ठेके हैं, दुकानें हैं, वो बंद करने के आदेश हैं। लेकिन 2-3 महीने जब मैं ज़िले में रहा तो मैंने ये पाया कि ऐसा नहीं है, ये शराब की दुकानें आके भी कंटिन्यू करती हैं, और रात को जो लोग ड्रिंक करते हैं वो ड्रिंक तो खुद के स्वाद के लिए, उनकी अपनी छाँव के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं जो है, अपराध की संख्या बढ़ रही है जो है, और जो जिस परिवार से वो व्यक्ति जाके शराब का सेवन कर रहा है उसका परिवार भयंकर रह रहा है कि मेरा जो ये व्यक्ति या हमारा सदस्य जो बाहर गया हुआ है वो वापस हमारे घर में लौट पाएगा या नहीं है। और महिलाओं के लिए सबसे एक विषम स्थिति होती है। मुझे याद है कि जब हमने इसको सख्ती से लागू किया, पूरे ज़िले में सख्ती से लागू किया, तो आप विश्वास करेंगे कि हमारी टीम ने इतना अच्छा प्रयास किया, हमने एक टीम का भी गठन किया, 7:55 पर सारे दुकानें बंद हो जा करती थी, और इसका ये इम्पैक्ट रहा, हमने बहुत सी दबिशें डाली, बहुत सी हमने इस पर लोगों को धरपकड़ की, समझाने का प्रयास किया कि शराब से दूर रहिए, शराब आपके खुद के साथ नुकसानदेह तो ही आपके परिवार के लिए नुकसानदेह। मेरे पास जब फीडबैक आने शुरू हुए तो कई ऐसे परिवार के महिलाओं के फ़ोन ऐसे आए कि जिन्होंने अपने परिवार के उस सदस्य को धमकाया कि अगर आप शराब पियोगे तो मैं एसपी ऑफिस में आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। तो ये बहुत खुशी की बात हमें रही कि कम से कम इस मुहिम में लोगों के अंदर एक विश्वास आया है कि हम इस चीज़ को कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले एक इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो और आपको दिखाते हैं, लौट कर फिर दिलचस्प बातें जारी रखेंगे पंकज जी के साथ। आपका स्वागत है, दिलचस्प बातें चल रही हैं आईपीएस पंकज सिंह जी के साथ, जिनका कहना है हमारे संविधान की बात उन्होंने अपना ध्येय वाक्य बना रखा है, ना जाति ना धर्म ना क्षेत्र, बस देश के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें। सर एक आपकी पंक्तियां कुछ मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं
ढूंढ रहा था कहीं, तो आप काफ़ी अच्छा लिखते हैं। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती, जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। वह माशाल्लाह बहुत खूब लिखते हैं, लेकिन डिमांड आई है आपके एक फ़ैन की, हमारे PCR में मौजूद हैं, उनकी भी रिक्वेस्ट आई है, आप गाते भी हैं, कुछ गाकर सुनाएं तो दर्शक बड़ा अच्छा फील करेंगे। देखिए मैं इसमें क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं एक गाने का कभी मुझे शौक़ नहीं रहा, जो है नो डाउट लिखने का मुझे ज़रूर शौक रहा है, मैं लिखता रहा हूँ जो है। हाँ, तो आपकी काव्य को ही थोड़ा गुनगुनाते हुए अंदाज में सुना दें तो। मैं जिस दौर में हैं और जिस चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जो कि एक मैसेज भी है जो है, न जाति न धर्म न क्षेत्र, देश सर्वोपरि, जय हिंद। ये दो लाइन की जो वाक्य है जो है, मैं ये पाता हूँ, मेरा ये मानना है, मेरी एक अपील भी है युवाओं से जो है, कि हमें अपने आसपास अगर किसी भी तरह की जो नकारात्मकता दिखती है किसी भी बात को लेके, एक मजबूत हौसला रखें, एक मजबूत अपना विजन रखें, अपने सपनों को मजबूती से आगे बढ़ने का प्रयास करें और एक विश्वास करें। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं बहुत ऐसे ग्रामीण परिवेश से आया हूँ कि मेरे परिवार में, या ये कह लें, मैं थोड़ा सा आपके विषय से विषयांतर हो रहा हूँ, जो दो लाइनें थी मैंने कह दिया, विषयांतर इसलिए हो रहा हूँ कि मेरा कभी सपना नहीं था पुलिस अधिकारी बनना जो है। अच्छा। मेरा कभी सपना नहीं था मैं जो है बहुत बड़े पदों पर जाऊँ जो है, और ना तो मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में, दूर दूर तक कोई इस तरह के कोई पद किसी ने पाया था जो है। लेकिन इस समाज में रहते रहते बहुत सी चीज़ों ने एक चैलेंज के रूप में मेरे सामने रखा, कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने ये मजबूर कर दिया कि पंकज चौधरी, अगर आपको इस कलयुग में, इस समाज में, समाज के लिए कुछ करना है तो आपको कुछ बाहर निकलना पड़ेगा, अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। सपने ऐसे होने चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं हो, समाज के लिए हो। आप विश्वास कीजिए, चूंकि शो में समय कम है, ऐसी कई घटनाएं हुई और इसका मैं बार बार जिक्र भी करता हूं जहाँ भी मैं जाता हूं बच्चों के बीच में। अपने सपनों को मजबूत रखिए, अपना गोल बड़ा रखिए जो है, देश के लिए सोचिए, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपने सपने की बात की अभी, कि हर आदमी एक सपना लेकर चलता है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आज रात को आप सोएं, सपने में ईश्वर आए और आके कहें कि बता बेटा पंकज, क्या वरदान चाहता है, एक वो चीज़ जो आप चाहते हों, जिससे आप कायनात बदलना चाहते हो, एक चीज़ क्या है, ऐसा वर मांगने को कहा जाए तो क्या होगी? अमित जी, जिस सपने की बात करते हैं, मैं तो साक्षात जब भी अपनी भगवान के सामने जब मैं अपनी आंखें बंद करके उनसे जो प्रार्थना करता हूँ जो है, तो हर प्रार्थना में मेरे एक ही लैंग्वेज होती है, हे भगवान, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे देश के लिए मुझे करने की इतनी शक्ति देना कि मैं सभी के लिए अच्छा कर सकूं, अच्छा सोच सकूं, और मैं अपने मनोबल, अपने प्रयासों को, अपने जो भी हमने सपने, अपने जो हम करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उसमें मुझे कम से कम व्यवधान आए जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर पाऊँ जो है, ये मेरा सपना हमेशा। पंकज जी, तो प्रार्थना वाली बात हो गई, मैं तो उसमें कह रहा हूँ, अपने नायक फिल्म देखी हो जहाँ अनिल कपूर को एक दिन का CM बना दिया जाता है, ठीक है, सही। आप एक बार फर्ज कर लीजिए कि आप एक दिन के देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या काम करेंगे? क्योंकि आप जैसे दबंग अफसर देश को बदलने के लिए क्या सोचते हैं वो जानना ज़रूरी है। देखिए, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेके, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा कभी सपना नहीं था पुलिस अधिकारी बनना। पुलिस अधिकारी IPS हमारे जिसमें समाज से आया हूँ बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, लेकिन हमने इस चीज़ को पाया है जो। हम जब बात करते हैं सपने की, जो जैसा कि आपके प्रश्न में भी मैं आता हूँ जो, भारत वर्ष जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज हम एक ट्रांजिशन की फेज में गुजर रहे हैं, लेकिन भारत संभावनाओं का देश है, ये हम बहुत अच्छी तरह से मैं समझ पा रहा हूँ और ऐसे तमाम देशवासी हमारे इस चीज़ को समझते हैं। ऐसा क्या कर दिया जाए कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाए, भारत पुनः विश्व का सरताज हो जाए, और भारत की तरफ से, भारत देश ने या भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की जो विचार रखा था एक समय में, क्या ऐसा समय आ सकता है कि हम इतने विशाल हृदय हो जाएं, हम आर्थिक रूप से, हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हम हर तरीके से इतने स्ट्रांग हो जाएं, इतने मजबूत हो जाएं कि पुनः हमारे अंदर से बात निकल के आए कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम पूरे विश्व को हम दिशा दे सकते हैं, पूरे विश्व को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और भारत ऐसा देश है जो कि हर आयाम में अपनी चीज़ों को एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है जो है। तो अब एक कोई ऐसा मलाल आपको पीछे आपकी पूरी ज़िंदगी में देखते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि ये कर नहीं पाया, करता तो बहुत अच्छा हो?
देखिए, मैंने कहा कि युवा जब होता है तो उसके कई सपने होते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट खेलता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन जब मैं युवा था, ये कह लीजिए कि जब इंटरमीडिएट में था, तो क्रिकेट अभी भी युवा है, ये बता दो, तो मुझे क्रिकेट का इतना शौक था कि मैं कॉलेज में जाके क्रिकेट खेलता था, गाँव में क्रिकेट खेलता था, जहाँ मुझे मौका मिलता था वहाँ मैं क्रिकेट खेलता। तो जब मैं क्रिकेट इतना खेलता था तो मेरे माता पिता कहते थे तुम दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हो, जो है तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, जो है तुम थोड़ा पढ़ाई किया करो, पढ़ाई पे थोड़ा मन लगाया करो। तो मेरे सपने आते थे उस समय, तो मुझे लगता था कि जिस दौर में जब मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता था, तो मुझे लगता था कि सचिन तेंदुलकर जो है ये कुछ शॉट इसने सचिन तेंदुलकर ने जी ने सही शॉट नहीं लगाया। अच्छा। और कभी कभी सपने में आता था कि मैं अगला जो टेस्ट मैच होगा उसमें वन डाउन में राहुल द्रविड़ की जगह पंकज चौधरी उतरेंगे, जो है क्या बात है। और पंकज चौधरी जो है जो भारतीय टीम की जो है कमी है क्रिकेट टीम में जो है उसका नेतृत्व करेंगे और विश्व में सबसे उम्दा टीम के रूप में। तो ये सपने बार बार आते थे और ये आता था कि मैं चूंकि बैट्समैन रहा हूँ तो मैं वन डाउन करूँगा और मैं राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करूँगा, जो है ये सपने हमेशा है। और ये हमेशा लगा कि मैं जो है क्रिकेट में ही खेलूँगा, आईपीएस तो बहुत दूर की बात है, सपने आईपीएल के जरूर आए जो है ना, आईपीएस के नहीं आए जो है, लेकिन लेकिन यही 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 आनंद का विषय है कि जो नियति होती है, जो आपका प्रारब्ध होता है, जिस जगह पे भगवान ने आपके लिए या डेस्टिनी जहाँ लिख दिया उस डेस्टिनी को आप पाते हैं जो। तो सपने आज भी देखिए, आपने कहा कि विश्व के लिए या भारत के लिए आपकी क्या सोच है, हमारी सोचें बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत से लोग अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे लोगों का ग्रुप बनेगा तो चीज़ें अच्छी होंगी जो है। आज पिछले आधे घंटे बहुत दिलचस्प चर्चा जारी रही पंकज जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। हर हफ्ते हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि युवाओं को देश को एक राह मिलती है। तो पंकज जी, मैं आपका आभार तो नहीं करूंगा क्योंकि जब आपका स्वागत ही नहीं किया, आपको होस्ट रहे, अच्छी बातचीत चली। हाँ, चलते चलते हेड्स ऑफ को लेकर, आप जैसे जो पुलिस अधिकारी हैं और जो समाज के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ही लिखा एक शेर है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। हमें फक्र है तुम पर, तुम आसमान हो, हमें फक्र है तुम पर, तुम आसमान हो, पहचानो अपनी शक्ति, तुम हिंदुस्तान हो। तो पंकज जी, धन्यवाद पधारने के लिए। आप सभी से मेरी इल्तिजा, जो दर्शक ये टीवी देख रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, घर के आसपास सफाई रखिएगा, और हो सके तो अनजान लोगों की मदद कीजिएगा। गर्मी आ गई है, पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था कीजिएगा। आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं tv@in.patrika.com पर हमें मेल करके। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, और कुछ मस्ती के साथ, कुछ मजाक के साथ, कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ। नमस्कार।